मैं अभी सिंह साहब के पास जाऊंगा, उसके बाद लक्ष्मण जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कोशिश की, 2014 में कोशिश की, 2017 में कोशिश की, 2019 में कोशिश की, और उसमें कामयाब रहे। कामयाब ये रहे कि अदर देन यादव जो ओबीसी ओबीसी जो जो समुदाय है उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की, और एक तरीके से जो मुस्लिम और यादव के कॉम्बिनेशन हो, अगर मैं बुरा ना माने कोई तो मैं ये कहूं कि दरअसल उन्होंने यादवों को कह दिया कि ये माफिया ग्रुप के साथ है, गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, और इनका शासन आ जाएगा तो फिर उसी तरह गुंडागर्दी का होगी, और उसके बाद जो दूसरी ओबीसी की जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, उनको परेशान करेंगे। क्या इस बार भी बीजेपी अपनी रणनीति पे कामयाब होती दिख रही है, या आपको लगता है कि इस बार उसमें कुछ टूटन दिखाई पड़ रही? शुक्रिया आशुतोष जी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोशिश उन्होंने केवल गुंडागर्दी वाली छवि के साथ ही नहीं पेश किया था, उन्होंने जितनी ओबीसी समूह हैं उनके बीच में यह एक धारणा भी स्थापित की थी कि आरक्षण का लाभ सबसे ज्यादा ओबीसी में यादवों ने ले लिया है। वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में भी सबके सामने दिखने लगे हैं, वो सामाजिक स्थिति से भी मजबूत है, तो गैर यादव ओबीसी को अपने साथ बीजेपी ने लाने में कामयाबी हासिल की, और यही काम उन्होंने दलित तबके में जाटों और गैर जाटों के साथ किया था। इसके पीछे की कुछ कारण, कुछ सामाजिक सांस्कृतिक वजहें भी रही हैं जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता भी हासिल हो पाई, लेकिन ये चुनाव खासकर फिलहाल जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की रणनीति दिख रही है, उनकी भाषा दिख रही है, भीड़ की बात अभी शीतल जी कर रहे थे, ये ठीक बात है कि जो दिखता है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि 2014 और उसके बाद जितने भी चुनाव इस देश में लड़े गए उनमें तमाम तरीके से लाइव टेलीकास्ट चला करके एक शख्स जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार था और प्रधानमंत्री बन गया, उसके सामने की भीड़ को ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा था गोया अब कोई पॉलिटिकल अल्टरनेट उसके सामने नहीं है, तो भीड़ का समाजशास्त्र ही था, लेकिन अब वही भीड़ का समाजशास्त्र ऐसा बनता जा रहा है कि ये लगता है वोट नहीं देंगे। दूसरा मुद्दा इसमें यह है, अखिलेश यादव ने इस जो बीजेपी की रणनीति थी इसको काटने के लिए उसी तीसरे चरण के संदर्भ में अगर मैं जिक्र करूं तो जी तीसरे चरण के जो 16 जिले हैं जिनमें 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो इस बेल्ट से 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और 37 सीटें जीतने का मतलब था कि उनको मेजोरिटी मिलाने के लिए बहुत बहुत ताकत मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इनमें तीन जातियां ऐसी हैं, शाक्य, लोदी और कुर्मी। ये जो शाक्य, लोद और कुर्मी जातियां हैं ये कमोबेश, जिसको हम सो कॉल्ड ताकतवर जातियां कहते हैं, जिस भाषा में कहते हैं, उस लिहाज से वो अहमियत रखती थी, इसलिए बीजेपी ने भी उस पर दांव रखा। बुंदेलखंड के इलाके में जो शाक के वोटर हैं या और नॉन ओबीसी जातियां एक जमाने में बसपा के साथ रही हैं, जी समाजवादी पार्टी कभी बुंदेलखंड में इस तरह से ताकतवर नहीं रही, इसलिए उन्होंने महान दल के केशव देव मौर्य को साथ लिया, तमाम छोटी छोटी जातियों को जोड़ा, और ओवरऑल अखिलेश यादव ने दो तीन किस्म से अपने ऊपर जो उनकी छवि जो कैद हो रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की है। मसलन यादवों को लगातार उन्होंने पीछे रखा है, उनके ऊपर यादववाद का आरोप था, पूरे टिकट वितरण में देखिए सबसे कम प्रतिशत में अगर किसी को टिकट मिला तो वो यादव है। दूसरी तरफ परिवारवाद का जो ठप्पा था उससे आजादी दिलाने के लिए उन्होंने परिवार को बिल्कुल दूर रखा, लेकिन आज ही एक सांकेतिक फोटो भी आई है कि उसी रथ में एक तरफ मुलायम सिंह यादव है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और बीच में शिवपाल है। तो जो बात अभी हमारे पूर्व के साथी कह रहे थे कि 17 में इनको नुकसान उठाना पड़ा था कि जो बेल्ट आपका गढ़ माना जाता था वहां आप बुरी तरह शिकस्त पाए थे, तो एक संदेश अखिलेश यादव ने इस तस्वीर के साथ भी दिया कि पिछली गलतियों को हमने ठीक कर लिया है। यानी मुझे लगता है आशुतोष, ओवरऑल थर्ड फेज में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति ये है, पुरानी पेंशन और 300 यूनिट बिजली फ्री जी और उसके बाद 20 लाख नौकरी देना, ये सब तो वादे हैं ही, उसके साथ उन्होंने आंतरिक रूप से कोशिश की है कि उन सारी जातियों को जोड़ करके एक बड़ी एका बनाई जाए जिससे ये जो गढ़ था जो ध्वस्त हुआ था फिर से वापस उन्हें मजबूती दे, जिसका फायदा उन्हें पांचवें छठे और सातवें चरण में मिलने वाला लक्ष्मण जी, बड़े गर्व के साथ है। ये कहा जाए, कई कई एकेडमिशियंस ने इस बात को बड़े दावे के साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने दलितों के बीच में और पिछड़ों के बीच में उन्होंने एनरोड्स बना लिए हैं, और वहां पर
जो हिंदू यूनिटी वाली जो बात है उसको पूरी तरीके से स्थापित कर दिया है। तो जो मंडल आयोग के बाद लागू होने के बाद जो एक एक मंडलाइज्ड पॉलिटिक्स थी, उनके दावे के हिसाब से उसको उन्होंने हिंदुआइज कर लिया है। क्या ये जो थीसिस थी, ये थीसिस अभी होल्ड कर रही है या नहीं होल्ड कर रही है, या इसमें दरार आप देख रहे हैं, या जो थीसिस ओरिजिनली दी गई थी वो थीसिस ही अपने आप में बेकार थी? बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सवाल किया है आशुतोष जी आपने। असल में ये जो एकेडमिक डिस्कोर्स में पूरी बहस या 90 के उस दौर को देखा और दिखाया गया है, वही बहुत गड़बड़ है, प्रॉब्लमेटिक है। मसलन मंडल के विरोध में कमंडल का उभार, ये एक स्थापित सच था, मगर इसको इस रूप में पेश नहीं किया गया। इसे इस रूप में पेश किया गया जबकि होना यह चाहिए था कि मंडल की पॉलिटिक्स किस चीज की पॉलिटिक्स है, उनके मुद्दों को उठाया जाता, उनके सवालों, उनके उद्देश्यों को सामने रखा जाता और फिर यह दिखाया जाता कि कंपेरेटिवली कमंडल की पॉलिटिक्स किस एम, किस मकसद से सामने लाई गई है। जब दोनों मकसद आमने सामने रखे जाते तो बिल्कुल क्लियर हो जाता कि सोसाइटी या नागरिक बोध किसके पक्ष में खड़ा हो। एकेडमिया ने यह ईमानदारी नहीं बरती, एकेडमिया ने वह सच मुकम्मल तौर पर नहीं पेश किया जो समाज में था। और दूसरा सच होता है पावर स्ट्रगल का। पावर जो सत्ता संरचना है उसमें हमेशा से वे सारी लड़ाइयां, वे विचारधाराएं जीतती हुई नजर आती हैं जो सत्ता की हेजमनी के पक्ष में खड़ी हो जाती है। मंडल की लड़ाई सत्ता के पक्ष में खड़े होकर नहीं लड़ी जा रही थी, कमंडल की लड़ाई बहुत अनुकूलित ढंग से सत्ता के पक्ष में जा रही थी। मैं सत्ता जब कह रहा हूं तो वो मेल अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजमनी वाली सत्ता की बात कर रहा हूं, वो सोशियो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है। वहां से ये दौर शुरू हुआ। लेकिन आज चूंकि अब उसमें लंबा नहीं जाते हैं, अपने विषय पर लौटते हैं, 3 दशक बीत चुके हैं। एज एकेडमिशियन जब मैं इस 3 दशक का एनालिसिस करता हूं तो इसने एक खूबसूरत काम ये किया। CHDS के हमारे एक बड़े एकेडमिशियन थे, उन्होंने उस खास किस्म के एकेडमिया का जवाब भी दिया कि लोग ये कहते थे कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है, लेकिन असल में जातियों का राजनीतिकरण हो रहा है, रजनी कुठारी। और वहां से ये विमर्श आगे बढ़कर के जब 3 दशक बाद हमारे सामने आया है तो हमारी पीढ़ी के लोग ये देख रहे हैं कि एक दौर था कि मंडल की लड़ाई में दलित, पिछड़े, आदिवासी तीनों मिल करके लड़ रहे थे और उन्हें हिंदू बनाने के लिए कमंडल लाया गया था और उन्हें बाकायदे प्रचारित किया गया कि आपके भीतर कोई अंतर विरोध नहीं है। लेकिन कल की घटना में राजस्थान में एक दलित जो IPS है वह भी घोड़ी चढ़ा तो उसको रोका गया, वहां कास्ट कैसे एग्जिस्ट करती है? तो कम्युनिस्ट थ्योरी भी कोलैप्स करती है, क्लास के भीतर कास्ट, कास्ट के भीतर क्लास, क्या क्या है। 3 दशक बाद जब मैं आज अपने अपने इंडियन सोसाइटी को देखता हूं, खासकर उत्तर भारत को देख रहा हूं जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इन 3 दशकों में एक काम मजबूती से यह हुआ है कि जातियों के भीतर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और उसके साथ साथ राजनीतिक चेतना विकसित हुई है। इसीलिए आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जातियां हैं जिनके अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ये एक फेज है, मुझे लगता है इसका फायदा बीजेपी ने उठाया, उनमें से तमाम लोगों को यह समझाया कि असल में जो हक आपको मंडल कमीशन में मिलना चाहिए था, जो इन पार्टियों सपा, बसपा, RJD में नहीं मिला, वो हम देंगे और उसका लाभ उन्हें मिला। इसलिए दूसरे फेज में देखिए मंदिर बार बार आया उत्तर प्रदेश का चुनाव। और आखिरी टिप्पणी मेरी आशुतोष जी ये है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सांप्रदायिक जमीन पर फिलहाल तो नहीं लड़ा जा रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। कैराना, मुस्लिम, तमाम कोशिशें की गई लेकिन जातियों की गुलबंदी या जातियों की राजनीतिक चेतना हावी है। और इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला एक प्रमुख मुद्दा है, जो रिजर्वेशन का सवाल वो प्रमुख मुद्दा है, प्राइवेटाइजेशन का सवाल प्रमुख मुद्दा है, जो खेती किसानी का मुद्दा है वो प्रमुख मुद्दा है। तो नरेशन सेट किया गया है जो शायद हिंदुत्व की पॉलिटिकल हेजमनी में फिट नहीं बैठ रहा है। इसलिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प चुनाव है और 22 का चुनाव 24 के लिए बहुत कुछ तय करने वाला है। परिणाम बेशक कुछ भी हो लेकिन चुनाव लड़ा कैसे जाए, इसका एक विमर्श तो इस चुनाव ने स्थापित कर ही दिया है। ठीक है, सीता जी ने जवाब दे दिया। लक्ष्मण जी, संक्षेप में लक्ष्मण जी। मुझे लगता है आशुतोष जी, विनोद जी को जो सवाल है उसके पीछे एक वजह तो बिल्कुल ठीक है कि
कांग्रेस पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि दिल्ली की कुर्सी के लिए लखनऊ की कुर्सी अहम सीढ़ी है, इसलिए बहुत ताकत लगा रहे हैं और प्रियंका गांधी को वहां खड़ा किया है, जिसके चलते उन्होंने तमाम उन जगहों की यात्राएं की जहां जाना जरूरी था। दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं के लड़कियों के सवाल को उठाया, कई किस्म से जो गैर बराबरी अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ लड़ती रही, उसका एक आकर्षण, उसका एक प्रभाव है। कांग्रेस पार्टी बहुत ताकत से उनको प्रेजेंट कर रही है, उनकी ब्रांडिंग कर रही है, यह भी एक प्रभाव है और एक आकर्षण तो है। और आखिरी में मैं इसको थोड़े हल्के मूड की टिप्पणी करूं, विनोद सर जानते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी की बात शीतल सर कर रहे थे, मुझे तो लगता है सर पूर्वांचल में अगर जेसीबी मशीन सड़क की खुदाई करती है तो उसको देखने के लोग बैठ जाते हैं। मेरा मानना यह है कि मैंने अपनी आंखों से देखा, हेलीकॉप्टर देखने के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं जो भाषण सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लगते। उत्तर प्रदेश की जनता भीड़ के मामले में किसी भी राजनेता को निराश नहीं करती है, ये मेरी समझदारी है, बशर्ते प्रियंका गांधी ने अपने कामों से अपनी एक पहचान बनाई है, ये मैं मानता हूं।